तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम लोग क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी होता है? ताकि हम लोग किसी भी चीज को ग्रुप्स में डिवाइड कर सके विद सिमिलर कैरेक्टर्स, है ना, सिमिलर कैरेक्टर्स वाली चीजों को एक ग्रुप में रख सके, जिससे उनकी स्टडी इजी हो जाती है ना। ये इंपॉर्टेंस है क्लासिफिकेशन का। तो डिजीजेस को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट, कि उस डिजीज का प्लांट में क्या इफेक्ट आ रहा है, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, उस डिजीज का कॉज क्या है। ठीक है, सिमिलर कॉज वाले डिजीज को एक ग्रुप में रखते हैं और इसमें सिमिलर इफेक्ट वाले डिजीज को एक ग्रुप में रखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट पहला क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन इन्फेक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अच्छा, एक और वर्ड होता है इन्फेस्टेशन, है ना। क्या फर्क है इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन में, कोई बताएगा? सुना है सबने इन्फेस्टेशन वर्ड? यस मैम। क्या फर्क है इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन में? इन्फेक्शन जो होता है ना, वो इंटरनल अटैक होता है। ठीक है, इंटरनल होता है, इन्फेस्टेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। डिजीज के केस में हम इन्फेक्शन बोलते हैं, इंसेक्ट्स के केसेस में इन्फेस्टेशन बोलते हैं ना। इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन हुआ है क्योंकि वो एक्सटर्नली फीड करते हैं, एक्सटर्नली नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। डिजीज के केस में हम इन्फेक्शन बोलते हैं क्योंकि वो इंटरनली स्प्रेड होते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो ये फर्क है इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन में। डिजीज के केस में हम इन्फेक्शन वर्ड का यूज करते हैं। तो इन्फेक्शन कौन कौन से टाइप के होते हैं? पहला लोकलाइज, दूसरा है सिस्टेमिक। लोकलाइज इन्फेक्शन का क्या मतलब हुआ? किसी स्पेसिफिक पार्ट को इफेक्ट करता हो। स्पेसिफिक पार्ट नहीं, मान लो ये पत्ती है, यहाँ पर एक स्पोर आके लैंड हुआ, वो उसी जगह पे इन्फेक्ट करेगा, वो स्प्रेड नहीं होगा, है ना। एक स्पोर यहाँ पे आके लैंड हुआ, वो यहाँ पे इन्फेक्ट करेगा, यहीं पर सिम्टम प्रोड्यूस करेगा और खत्म। ठीक है, वो स्प्रेड नहीं होगा प्लांट में या आसपास के एरिया में। ठीक है, एक स्पेसिफिक प्लांट पार्ट के एक स्पेसिफिक एरिया में लिमिटेड रहेगा, उसको बोलेंगे लोकलाइज इन्फेक्शन। ठीक है, और सिस्टेमिक इन्फेक्शन क्या होगा कि वो प्लांट के अंदर स्प्रेड होगा, ठीक है, थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, प्लांट के अंदर सिस्टेमिकली वो मल्टीप्लाई होगा, स्प्रेड होगा और डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, पूरे के पूरे प्लांट को इन्फेक्ट करता है सिस्टेमिक डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ परपेचुएशन एंड स्प्रेड। कैसे स्प्रेड होता है डिजीज? पहला एयरबॉर्न। हाँ, लोकलाइज्ड का एग्जांपल नहीं है क्या? लोकलाइज्ड का एग्जांपल हो गया स्पॉट्स, हर तरीके के स्पॉट्स, है ना। स्पॉट कहाँ पर होते हैं? जहाँ पे स्पोर लैंड करता है, जहाँ पे इनोकुलम लैंड करता है, और वहीं पे स्पॉट बन जाता है। ठीक है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन का एग्जांपल क्या होगा? विल्ट, है ना। विल्ट में पैथोजन क्या करता है? रूट के थ्रू एंटर करता है और जाइलम वेसल्स को चोक कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर ट्रांसलोकेट नहीं कर पाता ऊपर, और प्लांट क्या होता है? मुरझा जाता है, है ना। यही होता है? तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं लोकलाइज्ड और सिस्टेमिक के। फिर नेक्स्ट है एयरबॉर्न। एयरबॉर्न डिजीजेस क्या होते हैं? जिनके स्पोर्स या कोई भी पैथोजन का पार्ट एयर के थ्रू ट्रांसफर होता है। ठीक है, विंड के थ्रू ट्रांसफर होता है, जैसे कि रस्ट के स्पोर्स। ठीक है, यूरेडोस्पोर्स होते हैं रस्ट में, जो एयर के थ्रू ट्रेवल करते हैं और नए क्रॉप को इन्फेक्ट करते हैं। फिर है पाउडरी मिल्ड्यू, ये भी एयर के थ्रू ट्रेवल करता है। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, जो सर्कोस्पोरा से होता है, वो भी एयर में ट्रेवल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सीड बॉर्न।
ऐसे पैथोजन जो सीड को इन्फेक्ट करते हैं और सीड के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, डिसेमिनेट होते हैं, उनको बोलते हैं सीड बॉर्न पैथोजन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हुआ, लूज स्मट ऑफ वीट, है ना। थर्ड है सॉइल बॉर्न, ऐसे पैथोजन जो सॉइल में ही रहते हैं, सॉइल में ही मल्टीप्लाई होते हैं और वहीं पे डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, सॉइल बॉर्न पैथोजन जो है वो बहुत स्लो होते हैं, है ना, बहुत जल्दी स्प्रेड नहीं होते, क्योंकि एक जगह की सॉइल से दूसरे जगह की सॉइल में जाने में पैथोजन को बहुत टाइम लगेगा, अगर वो नेचुरली जा रहा है तो। अगर ह्यूमन इंटरवेंशंस के थ्रू जा रहा है तो जा सकता है, लेकिन नेचुरली सॉइल बॉर्न पैथोजन को स्प्रेड होने में बहुत टाइम लगता है, जबकि एयर बॉर्न पैथोजन को स्प्रेड होने में बहुत कम टाइम लगता है। इसलिए जो एपिडेमिक्स आते हैं ना, वो जनरली एयर बॉर्न पैथोजन की वजह से आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि एपिडेमिक्स जो है वो किस टाइप के पैथोजन की वजह से आते हैं, एयर बॉर्न, सीड बॉर्न, सॉइल बॉर्न, वेक्टर बॉर्न। तो आंसर क्या होगा, बोन एयरबॉन्ड एयर एयरबॉन्ड बॉर्न। ठीक है, फोर्थ टाइप क्या हो, वेक्टर बॉर्न। वेक्टर क्या होता है, हाँ जो पैथोजन को ट्रांसमिट करता है इसके ट्रांसमिट कर, थ्रू डेंगू राइट, विदाउट बीइंग इन्फेक्टेड, है ना। वेक्टर को कोई इन्फेक्शन नहीं होता, वेक्टर में कोई सिम्टम नहीं आते, वो सिर्फ कैरियर होता है पैथोजन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, उसको कहते हैं वेक्टर। तो एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन अक्वायर एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसमिट अ पैथोजन को बोलते हैं वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, राइस टुंग्रू वायरस का वेक्टर है लीफ हॉपर। ऐसे बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, जब हम वायरोलॉजी पढ़ेंगे तो एक ट्रांसमिशन का अलग से चैप्टर है जिसमें हम सारे वेक्टर्स को देखेंगे, सारे वायरसेस के रिस्पेक्टिव वेक्टर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑकरेंस एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस में चार टाइप्स के डिजीजेस होते हैं। ठीक है, पहला हुआ एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक क्या होता है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर एरिया में कंफाइंड होता है जो डिजीज। एरिया में होता है। हाँ, एक पर्टिकुलर एरिया में वो कंफाइंड रहेगा और वहां पे वो हर साल कॉन्स्टेंटली आता ही रहेगा, मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म में। ठीक है, थोड़े थोड़े फॉर्म में वो आता ही रहेगा हर साल। ठीक है, पर वो एक रीजन में कंफाइंड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लब रूट ऑफ क्रूसिफर कॉज बाय प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका, जो कि नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ से कोई भी प्रोपोगेटिव मटेरियल बाहर नहीं जाता है। ठीक है, जितने भी क्रूसिफरस वेजिटेबल्स हैं उनका प्रोपोगेटिव मटेरियल तमिलनाडु से बाहर नहीं यूज होता है। ठीक है, वहीं का मटेरियल वहीं पे यूज करते हैं। नेक्स्ट है वाट ऑफ पोटैटो कॉज बाय सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ से भी पोटैटो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है। सेकेंड टाइप है एपिडेमिक। एपिडेमिक भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्लांट के केसेस में एपिडेमिक्स को एपीफाइटोटिक्स बोलते हैं, है ना। एपिडेमिक क्या होता है, एक कोरोना लोकेलिटी वायरस में महामारी सीवियर महामारी। ठीक है, एपिडेमिक क्या होता है, एक जगह से शुरू होगा और वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, ग्रेजुअली वो बढ़ता जाएगा, है ना, ये होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक की पूरी लिस्ट हम लोग कल पढ़ चुके हैं, है ना, एक यस टेबल मैम के फॉर्म में, तो वो वहां से देख लेना और याद कर लेना। ठीक है, थर्ड टाइप होता है स्पोरैडिक डिजीज। ये क्या होता है, कभी कभी आता है एक पर्टिकुलर हाँ, एक पर्टिकुलर लोकेशन में इरेगुलरली आता रहता है। ठीक है, कभी मॉडरेट फॉर्म में, कभी लो फॉर्म, कभी सीवियर फॉर्म, किसी साल आएगा किसी साल नहीं आएगा, तो इरेगुलरिटी रहती है स्पोराडिक डिजीजेस में। ठीक है, उसका एग्जांपल है उदबत्ता डिजीज ऑफ राइस। किससे होता है उदबत्ता डिजीज, एफिलिस ओराइजी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ कॉटन, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से होता है, और ग्रेन स्मट ऑफ जार, जो कि होता है स्पोरिसोरियम सॉर्गी से। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है स्पोराडिक डिजीज के। फोर्थ टाइप होता है पैंडेमिक डिजीजेस। पैंडेमिक क्या होता है, वर्ल्ड वाइड आता है ना,
इसका एग्जाम्पल है वीट रस्ट और ब्लास्ट ऑफ राइस, ठीक है? कि हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, तो सबको आइडिया है? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है बेस्ड ऑन इनोकुलम मल्टीप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इससे क्वेश्चन आते हैं। इनोकुलम मल्टीप्लीकेशन के बेसिस पे डिवाइड किया था वेंडर प्लैंक ने, ठीक है? हम लोगों ने पहले ही देखा है कि वेंडर प्लैंक का कॉन्ट्रीब्यूशन एपिडेमियोलॉजी में है ना, डिजीज की स्टडी में, एपिडेमिक्स की स्टडी में वेंडर प्लैंक का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इनोकुलम मल्टीप्लीकेशन के बेसिस में कितने टाइप्स में डिवाइडेड है? सिंपल इंटरेस्ट डिजीज, कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज, बायमोडल एंड पॉलियटिक, चार टाइप का होता है, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट डिजीज क्या होता है, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट डिजीज को हम मोनोसाइक्लिक डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है? मोनोसाइक्लिक डिजीज क्यों बोल रहे हैं? इधर डायग्राम से देखो, प्राइमरी इनोकुलम जो भी है, स्पोर है, माइसीलियम है, हाइफा है, सेक्सुअल स्पोर है, एसेक्सुअल स्पोर है, स्क्लेरोशिया है, जो भी है, प्राइमरी इनोकुलम क्रॉप में प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है? वो राउंड द ईयर इन्फेक्शन चल के फिर ओवर सीजनिंग स्टेज में आ जाएगा या डोमेंट स्टेज में आ जाएगा, उसके बाद फिर वही प्राइमरी इनोकुलम बन जाएगा, ठीक है? मोनोसाइक्लिक डिजीज में सेकेंडरी इनोकुलम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको मोनोसाइक्लिक डिजीज बोलते हैं, ठीक है? माइक ऑफ कर लो, किसका माइक ऑन है? देखो इसके कैरेक्टर्स क्या क्या है। लो बर्थ रेट, पैथोजन का लो बर्थ रेट रहता है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि इस साल वो इन्फेक्शन आया था तो नेक्स्ट टाइम भी उतने ही इंटेंसिटी से वो इन्फेक्शन आए, ठीक है? पैथोजन का बर्थ रेट लो रहता है। नेक्स्ट है वन साइकिल इन अ ईयर, एक साइकिल में या एक सीजन में एक ही पैथोजन की साइकिल होगी, ठीक है? पैथोजन की एक लाइफ साइकिल एक ही ईयर में या एक ही क्रॉप के सीजन में कंप्लीट होगी। ओनली प्राइमरी इनोकुलम इज प्रेजेंट, जैसा मैंने बोला, सेकेंडरी इनोकुलम प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको मोनोसाइक्लिक बोलते हैं, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट डिजीज आर टिपिकली सॉइल बॉर्न, ठीक है? सॉइल बॉर्न पैथोजन जो होते हैं वही मोनोसाइक्लिक डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट है इसका जो डिजीज प्रोग्रेशन कर्व होता है, डिजीज प्रोग्रेशन कर्व, वो होता है सैचुरेशन कर्व टाइप का, ठीक है? डिजीज प्रोग्रेशन कर्व का क्या मतलब होता है? हम लोग डिजीज को, ये मान लो डिजीज हो गया, ये हो गया टाइम, ठीक है? तो हम लोग इसको अगर डिजीज और टाइम को प्लॉट करेंगे तो इसका कर्व ऐसा आएगा, ठीक है? इसको बोलते हैं सैचुरेशन कर्व। तो मोनोसाइक्लिक डिजीज में हम जब टाइम डिजीज को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो ऐसा कुछ कर्व दिखेगा जिसको हम सैचुरेशन कर्व बोलते हैं, ठीक है? ये मोनोसाइक्लिक डिजीज का कैरेक्टर है, ठीक है? लो डिस्पर्सल रेट, जैसा कि मैंने पहले बोला कि जो सॉइल बॉर्न पैथोजन होते हैं वो डिस्पर्स बहुत स्लोली होते हैं ना, एक फील्ड से दूसरे फील्ड या सॉइल के थ्रू ट्रेवल करना बहुत स्लो फिनोमिना है ना, है कि नहीं? किसी पैथोजन को सॉइल के थ्रू ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो, ठीक है? तो सॉइल बॉर्न पैथोजन या जो सिंपल इंटरेस्ट डिजीज करने वाले पैथोजन होते हैं उनका डिस्पर्सल रेट लो होता है, ठीक है? अमाउंट ऑफ डिजीज स्लोली इंक्रीजेस ईयरली, ये भी ऑब्वियस है क्योंकि पैथोजन ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट है और अगर आप सेम क्रॉप लगाते जा रहे हो तो डिजीज बढ़ता जाएगा हर साल, क्योंकि पैथोजन का इनोकुलम तो बढ़ता जा रहा है ना, उसको अपना होस्ट मिल रहा है फीड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, तो वो ईयरली बढ़ता जाएगा, है ना? ये क्लियर है सारे पॉइंट्स? यस मैम। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हुआ? विल्ट हुआ, लूज मट ऑफ वीट, एर्गट ऑफ बाजरा, ठीक है? इनके स्पोर्स, इनके पैथोजन सॉइल में सर्वाइव करते हैं, ओवर सीजनिंग करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? इसलिए दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंपल इंटरेस्ट डिजीजेस, ठीक है? ये सारे पॉइंट समझ में आए? यस मैम। इन सब से एक एक क्वेश्चन बन सकता है ना,
सारे पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बन सकता है, तो ये सब एकदम अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट टाइप है कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज। कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज को हम पॉलीसाइक्लिक डिजीज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, डायग्राम से देखते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन, ये प्राइमरी इनोकुलम आया, क्रॉप में लैंड किया, उसकी वजह से प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद पैथोजन अपने और एसेक्सुअल स्पोर्स बनाता है खूब सारे। ठीक है, एक चीज ये समझना, फंगस के केस में जब एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती है ना, तो पैथोजन एसेक्सुअल स्पोर्स बनाता है, और जब एनवायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल होती है तो पैथोजन सेक्सुअल स्पोर्स बनाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि फेवरेबल कंडीशन में उसको सब कुछ मिल रहा है अपने लिए, है ना, होस्ट मिल रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशंस एकदम सही है, लेकिन सेक्सुअल स्पोर्स बनाने में मेहनत कम लगती है ना, इसलिए जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो एसेक्सुअल स्पोर्स बना के खूब ज्यादा मल्टीप्लाई कर लेता है। लेकिन जब कंडीशन अनफेवरेबल है ना, उसको अपना रिक्वायर्ड होस्ट नहीं मिल रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं मिल रही है, तो उसको अपने आप को बचा के रखना है। ठीक है, तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअल स्पोर्स बनाएगा, जिसकी वजह से वो कुछ सीजन या कुछ टाइम सॉइल में सीड में बिता सके। ठीक है, ऐसे स्पोर्स बनाएगा जो डॉर्मेंट स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जो काफी लंबे समय तक डॉर्मेंट स्टेज में रहने के बाद भी जर्मिनेट होके नया पैथोजन बना सकते हैं, ऐसे होते हैं सेक्सुअल स्पोर्स। तो जब भी कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो पैथोजन सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं, जब फेवरेबल होती है तो एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद कंडीशन उसके लिए फेवरेबल है ना, उसके पास उसका रिक्वायर्ड पैथोजन है, एनवायरमेंटल कंडीशन है, तो वो खूब सारे एसेक्सुअल स्पोर्स बनाता है जो काम करते हैं एज अ सेकेंडरी इनोक्युलम, है ना, वो सारे एसेक्सुअल स्पोर्स दूसरे हेल्दी प्लांट्स को इन्फेक्ट करके सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल भी चलती रहती है, उसके बाद ये साइकिल भी चलती रहती है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये दोनों साइकिल चलती रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक डिजीज। ये समझ में आया? यस मैम। पैथोजन का हाई बर्थ रेट रहता है, ये हमको यहीं से समझ में आ जा रहा है कि हाई बर्थ रेट है। एक प्राइमरी इनोकुलम से प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद एसेक्सुअल स्पोर से बहुत सारे स्पोर बन गए जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। इसका मतलब पैथोजन का बर्थ रेट बहुत ज्यादा है ना। शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? बताओ, टर्मिनोलॉजी में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। पैथोजन और होस्ट के कांटेक्ट में आने से लेके डिजीज सिम्टम प्रोड्यूस होने तक का जो पीरियड है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज के केस में शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, मतलब बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसका जो कर्व होता है, डिजीज प्रोग्रेशन कर्व होता है, वो सिग्मॉइड टाइप का होता है। ठीक है, तो जब हम लोग डिजीज और टाइम को प्लॉट करते हैं तो ऐसा कर्व बनता है। ठीक है, यही होता है सिग्मॉइड कर्व। Yes, ठीक है, हाई डिस्पर्सल रेट, क्योंकि जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज एयरबॉर्न होते हैं, इसलिए इनका डिस्पर्सल रेट भी ज्यादा होगा, है ना, एयरबॉर्न है तो ज्यादा डिस्पर्स हो पाएगा। डिस्पर्स होना मतलब फैलना, है ना, स्प्रेड होना। क्योंकि एयरबॉर्न होते हैं तो ज्यादा डिस्पर्स भी हो पाते हैं। ठीक है, एंड पैथोजन कंप्लीट सेवरल इन्फेक्शन साइकल्स पर सीजन, एक सीजन में बहुत सारी इन्फेक्शन साइकिल हो गई। देखो, सेकेंडरी इन्फेक्शन होता ही रहता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन से फिर सेकेंडरी इनोकुलम बना, फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ, तो बहुत सारी साइकिल कंप्लीट हो जाती है एक ही क्रॉप के सीजन में, है ना।
उसमें एक क्रॉप के सीजन में एक ही साइकिल कंप्लीट हो रही थी, इसमें पैथोजन की बहुत सारी इन्फेक्शन साइकिल्स कंप्लीट हो जाती है एक सीजन में, ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है. और क्या है, आफ्टर प्राइमरी इन्फेक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एट ईच इन्फेक्शन साइकिल एंड कॉज न्यू इन्फेक्शन, है ना. ये डायग्राम से समझ में आ रहे हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद खूब सारे एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए. इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रस्ट, ब्लास्ट ऑफ राइस एंड पाउडर मिल्ड्यू, ठीक है. ये याद रखना कि एयरबॉर्न डिजीज से कंपाउंड इंटरेस्ट, एयरबॉर्न पैथोजन से कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज होता है और एयरबॉर्न पैथोजन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एपिडेमिक्स के लिए, ठीक है. कभी भी सॉइल बॉर्न पैथोजन से कोई ऐसा वो नहीं आया एपिडेमिक, ठीक है. ये आया समझ में, आगे बढ़े. नेक्स्ट है बाय मॉडल पॉलीसाइक्लिक डिजीज. बाय मॉडल पॉलीसाइक्लिक डिजीज मतलब सेम है, पॉलीसाइक्लिक डिजीज है लेकिन ये दो अलग अलग ग्रोथ स्टेज को अफेक्ट करता है क्रॉप के, ठीक है. मान लो कोई पैथोजन है जो फ्लावरिंग के टाइम भी अफेक्ट कर रहा है प्लांट को और उसके बाद जब फ्रूट आया तो भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है. या कोई ऐसा पैथोजन है जो टिलरिंग के टाइम पे इफेक्ट कर रहा है और उसके बाद मैच्योरिटी के टाइम पे इफेक्ट कर रहा है सेम पैथोजन, तब हम उसको बोलेंगे बाय मॉडल पॉलीसाइक्लिक डिजीज, ठीक है. और इसका डिजीज प्रोग्रेशन कर्व कैसा रहता है, बाय मॉडल टाइप का, ठीक है. हेंस द नेम बाय मॉडल कैसा रहेगा, ऐसा और ऐसा, है ना. ये पहला स्टेज हो गया, ये दूसरा स्टेज हो गया, है ना. एग्जाम्पल क्या हुआ, ब्लॉसम एंड फ्रूट इन्फेक्शन ऑफ पेयर, मतलब यहाँ पर ब्लॉसम में इन्फेक्शन हुआ, यहाँ पर फ्रूट्स में इन्फेक्शन हुआ, ठीक है. तो ये है इसका डिजीज प्रोग्रेशन कर्व बाय मॉडल टाइप, ठीक है. ये समझ में आया, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना मैम, एक बार और. एक मिनट, देखो बाय मॉडल पॉलीसाइक्लिक डिजीज, पॉलीसाइक्लिक डिजीज के ही सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें, पर एक चीज एडिशन है कि ये दो अलग अलग ग्रोथ स्टेज को अफेक्ट करेगा, क्रॉप के दो अलग अलग ग्रोथ स्टेज को सेम पैथोजन अफेक्ट करेगा, ठीक है. जैसे कि एग्जांपल, अगर कोई पैथोजन किसी क्रॉप के ब्लॉसम पे, मतलब जब फ्लावरिंग हो रही है तब भी इफेक्ट कर रहा है, उसके बाद जब फ्रूट बन जा रहे हैं उसके बाद भी इफेक्ट कर रहा है, मतलब दो दो स्टेज को इफेक्ट कर रहा है, तब हम उसको बोलेंगे कि वो बाय मॉडल पॉलीसाइक्लिक डिजीज है, ठीक है. या कोई पैथोजन टिलरिंग के टाइम पे इफेक्ट कर रहा है, सीडलिंग स्टेज में इफेक्ट कर रहा है पहले, उसके बाद कुछ टाइम बाद मैच्योरिटी के टाइम पे इफेक्ट कर रहा है तब हम बोलेंगे बाय मॉडल पॉलीसाइक्लिक डिजीज. और इसका डिजीज प्रोग्रेशन कर्व कैसा होगा, इस टाइप का होगा. मतलब यहाँ पर वो देखो, यहाँ पर एक पीक आई है, मतलब ये ब्लॉसम को इफेक्ट कर रहा है, पहले ग्रोथ स्टेज को इफेक्ट कर रहा है, उसके बाद फिर नीचे गया, फिर एक पीक आई है, इसका मतलब वो दूसरे स्टेज को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है. तो इस टाइप का उसका कर्व होता है, ठीक है. अब क्लियर है? यस मैम. यस मैम. फोर्थ टाइप है पॉलीएटिक डिजीज. पॉलीएटिक डिजीज क्या होते हैं, उनको बहुत टाइम लगता है इनोकुलम प्रोड्यूस करने में. मान लो अभी इनोकुलम लैंड होता है किसी प्लांट में, तो उसको बहुत साल लग जाते हैं अपना डिजीज साइकिल कंप्लीट करने में, ठीक है. ऐसा नहीं कि हर सीजन में, हर ईयर में एक नया इन्फेक्शन आएगा, नहीं, एक ही इन्फेक्शन होने में, एक ही बार इन्फेक्शन कॉज करने में और अपनी डिजीज साइकिल को कंप्लीट करने में पैथोजन को बहुत साल लग जाते हैं, ठीक है. इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी ईयर डिजीज, ठीक है. ऐसा किसके केस में होता है, जब होस्ट पेरिनियल होता है, ट्रीज होते हैं, ठीक है. अपने एनुअल बायनियल क्रॉप्स में क्या होता है, हमने क्रॉप लगाया, डिजीज आया, एक साइकिल हुई या दो साइकिल हुई और फिर क्रॉप हट गया. लेकिन जो पेरिनियल ट्रीज हैं, जो सालों तक रहते हैं, उनको इन्फेक्ट करने में पैथोजन को बहुत टाइम लग जाता है ना, इसलिए इसको मल्टी ईयर डिजीज बोलते हैं, क्योंकि बहुत सालों में एक इन्फेक्शन साइकिल कंप्लीट हो पाती है, ठीक है.
it takes several years to produce inoculum and complete one infection cycle. कब होता है ऐसा? जब होस्ट पेरिनियल होता है, ट्रीज होते हैं, ठीक है. इसके एग्जांपल क्या है? डच एल्म डिजीज, सिट्रस ट्रिस्टिजा एंड पेयर डिक्लाइन. ठीक है, समझ में आया ये? इनके बीच का डिफरेंस yes, समझ yes, में आया ना? yes. सबकी डिजीज साइकिल कैसे होगी? एक बार इसको खुद भी पढ़ना, ठीक है मैम. इसका कर्व कैसे बनेगा पॉलियोटिक? हाँ, ये पॉलियोटिक डिजीज का ग्राफ नहीं होता क्योंकि मल्टी ईयर डिजीज है ना. हमको ये भी नहीं पता कि वो कितने सालों में अपना सिम्टम लाएगा, ठीक है. तो इसके डिजीज प्रोग्रेशन को हम ट्रैक नहीं कर सकते, है ना. क्योंकि टाइम पीरियड लिमिटेड ही नहीं है ना. ये जो हमारा टाइम का एक्सिस है ये तो लिमिटेड ही नहीं है, तो हम ग्राफ कैसे करेंगे? ठीक है, आगे बढ़े. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट अफेक्टेड. ठीक है, रूट डिजीजेस होते हैं जो रूट को इन्फेक्ट करते हैं, लाइक ड्राई रूट रॉट. मैक्रोफोमिना फैसियोलिना से होता है, चिकपी में होता है. ठीक है, स्टेम डिजीजेस होते हैं जैसे कि स्टेम रॉट ऑफ राइस. उसके बाद फोलियर डिजीज होते हैं, फोलियर मतलब जितने भी लीफ में डिजीजेस होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्लास्ट ऑफ राइस. देन सीड डिजीजेस, जितने भी सीड इन्फेस्टेशन होते हैं, लूज मट ऑफ वीट. ठीक है, इसमें कुछ नहीं है समझने का, ये सिर्फ एक क्लासिफिकेशन का टाइप है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पार्ट इफेक्ट होते हैं. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉज. ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड करते हैं डिजीजेस को. ठीक है, तीन टाइप के होते हैं, बायोटिक, मीजोबायोटिक, एबायोटिक, है ना. बायोटिक में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, एबायोटिक में सारे नॉन लिविंग रीजन आते हैं, और मीजोबायोटिक में दोनों के बीच का आता है. ठीक है, तो बायोटिक में कैसे होंगे? दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? कोई बताएगा डिफरेंस? होते हैं ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, जिसके ट्रू न्यूक्लियस होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, और प्रोकैरियोट्स के प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं वो बहुत. राइट, देखो दो वर्ड से मिलके बनता है, प्रो एंड कैरियन. ठीक है, प्रो एंड कैरियन. प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस. ठीक है, वैसे यूकैरियोट्स दो शब्दों से मिलके बना है, यू एंड कैरियोट्स. ठीक है, यू मतलब वेल डिफाइंड, ठीक है, और कैरियोट मतलब, कैरियन मतलब न्यूक्लियस. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का होता है, प्रिमिटिव टाइप का होने का क्या मतलब है? कि न्यूक्लियस के अराउंड एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, है ना, यही मतलब हुआ? यस मैम. जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होती है, तब हम उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स. जब सेल के अंदर न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होती है तब हम उनको बोलते हैं यूकैरियोट्स, है ना. ये हुआ दोनों का डिफरेंस. तो प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? पहले तो वॉल लेस, जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, जिसकी वजह से उनका शेप वेल डिफाइंड नहीं होता है. ठीक है, उसमें आते हैं फाइटोप्लाज्मा एंड स्पायरोप्लाज्मा. ठीक है, जिनका वेल डिफाइंड सेल वॉल होता है वो आते हैं दो टाइप के, फैकल्टेटिव जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, ऑब्लिगेट जिसमें फास्टिडियस बैक्टीरिया आते हैं. ठीक है, इन सबको हम लोग एक एक करके डील करेंगे. यूकैरियोट्स में क्या क्या आते हैं? फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, वैस्कुलर प्लांट्स लाइक फैनरोगेमिक प्लांट पैथोजेंस, देन मेटाजोन एनिमल्स लाइक नेमेटोड्स, है ना.
मीजोबायोटिक में क्या कहता है, वायरस, वायरॉइड, वायरोसॉइड, प्रियॉन्स, है ना। एबायोटिक में क्या क्या आता है, एबायोटिक में क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है लाइक टेम्परेचर, रेन, पीएच, लाइट, ह्यूमिडिटी, ठीक है। देन सॉइल के फैक्टर्स होते हैं लाइक स्ट्रक्चर, टेक्सचर, मॉइस्चर, न्यूट्रिशन। उसके बाद केमिकल इंजरीज होती है, पॉल्यूशन होता है, पेस्टिसाइड से जो इंजरीज होती है वो सब आती है इसमें। और लास्ट है इम्प्रॉपर कल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, उसकी वजह से भी लॉसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फेनरोगेमिक प्लांट पैरासाइट। ये बस इतना सा ही टॉपिक है, इतना सा ही पार्ट याद रखना है, इसलिए इसको अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। दो टाइप के प्लांट पैरासाइट्स होते हैं। फेनरोगेमिक प्लांट पैरासाइट का क्या मतलब हुआ? बताओ। ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट पे पैरासाइट होते हैं, है ना, ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं फैनरोगेमिक प्लांट पैरासाइट, ठीक है। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, स्टेम के पैरासाइट्स और रूट के पैरासाइट्स, ठीक है। स्टेम पैरासाइट्स को फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, टोटल स्टेम पैरासाइट एंड पार्शियल स्टेम पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट मतलब वो टोटली स्टेम का पैरासाइट होता है, ठीक है, वो अपने रूट्स वूट्स नहीं बनाता है, ठीक है। कस्क्यूटा सबने देखा है, अमरबेल? यस मैम। कौन कौन से पार्ट होते हैं अमरबेल में, कुछ होता है? हाउस्टोरिया प्रेजेंट होता है। हाउस्टोरिया प्रेजेंट होता है, दिखता है क्या? प्लांट पार्ट क्या क्या होता है कस्क्यूटा में? सिर्फ ऐसा फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है उसका, है ना, कोई लीव्स होती है क्या? हम रेशे जैसा रहता है। हाँ, रेशे जैसा, रस्सी जैसा रहता है ना, ना रूट होती है ना लीफ होता है। क्यों? क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, उसको फोटोसिंथेसिस करना ही नहीं, तो वो लीफ क्यों बनाएगा, है ना। वो टोटली दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट है, उसको कुछ अपना नहीं करना है, फोटोसिंथेसिस करना ही। माइक ऑफ करो। रोहित वर्मा, ठीक है, तो वो अपना लीव्स नहीं बनाएगा, रूट्स नहीं बनाएगा, ठीक है। वो न्यूट्रिशन कैसे अब्सॉर्ब करेगा? थ्रू हॉस्टोरिया, है ना। ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो प्लांट के सेल में एंटर करके उससे न्यूट्रिशन डराइव करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ टोटल स्टेम पैरासाइट, जो ना रूट बना रहा है ना लीव बना रहा है, ठीक है। इसका कॉमन नेम है डॉडर, गोल्ड थ्रेड, डेविल्स हेयर, ठीक है। इसके होस्ट क्या क्या होते हैं? कस्क्यूटा के तो बहुत सारे होस्ट होते हैं ना, हम लोगों ने ऐसे भी ट्रीज में लटका हुआ देखा है कस्क्यूटा, है ना मैम। होस्ट का रेंज क्वेश्चन, हाँ होस्ट पूछेगा क्वेश्चन में, हाँ होस्ट भी आता है, ठीक है। तो इसका होस्ट जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप है, ठीक है, उनमें से इसके होस्ट कौन कौन से है? अल्फा अल्फा, क्लोवर, लिनसीड, पोटैटो, ठीक है। नेक्स्ट है पार्शियल स्टेम रस्ट। पार्शियल स्टेम रस्ट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट मतलब कि वो लीव्स अपनी बनाता है, रूट नहीं बनाएगा, ठीक है। जैसे कि डेंड्रोप्थो, मिसल्टो, हम लोगों ने ऐसा कभी देखा है ना, बड़े बड़े जो प्लांट ट्रीज होते हैं उनमें से कहीं से ब्रांच से एक और अलग ही टाइप का ट्री निकला रहता है, प्लांट निकला रहता है, कभी देखा है? Yes. एक कोई yes. जैसे पीपल का पेड़ है, ठीक है, उसकी किसी एक ब्रांच से ना कुछ अलग ही टाइप का एक पौधा निकला रहता है, देखा है कभी? Yes, ma'am. तो वो है मिसल्टो, ठीक है, वही है मिसल्टो, उसके पास अपनी लीव्स वगैरह है, रूट्स नहीं है, है ना, उसको बोलते हैं मिसल्टो या लोरेंथस, ठीक है, वो कॉमन नेम है इसका। ये होस्ट कौन कौन से होते हैं? मैंगो, सिट्रस, रबर, एप्पल, गुआवा, सारे ट्रीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रूट पैरासाइट।
रूट पैरासाइट में टोटल रूट पैरासाइट है ऑरोबैंक, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं ब्रूम रेप, और इसके होस्ट होता है टोबैको, टोमेटो, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर. ठीक है, नेक्स्ट है पार्शियल पैरासाइट स्ट्रिगा, पार्शियल रूट पैरासाइट जिसको विच वीट बोलते हैं या स्ट्रिगा भी बोलते हैं कॉमनली. इसके होस्ट है सोरगम, मेज और शुगर केन. ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार स्ट्रिगा को लेके, तो होस्ट भी हम लोग को याद रखना है. ठीक है, आगे बढ़े. यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस मतलब वो फैलते नहीं है, एक इन्फेक्टेड प्लांट से दूसरे इन्फेक्टेड प्लांट में फैलते नहीं है. ठीक है, इनको हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कंटेजियस डिजीजेस. ये जनरली फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल फ्रीजिंग इंजरी. फ्रीजिंग इंजरी मतलब जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई, ठीक है, तो क्या होता है, टिश्यू डीके इन टोमेटो. लाइट डेफिशिएंसी, लाइट डेफिशिएंसी की वजह से इट्यूलेशन होता है प्लांट में. इट्यूलेशन का क्या मतलब होता है, जैसे एक बंद कमरा है पूरा, ठीक है, पूरा बंद कमरा है, डार्क है, पर यहाँ पर छोटी सी खिड़की है जिससे लाइट आ रही है. ठीक है, और यहाँ पे तुमने कोई प्लांट रख दिया, जर्मिनेट करा दिया एक सीड, तो देखना वो प्लांट अपने आप लाइट की तरफ ग्रो करता जाएगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. और वो जरूरत से ज्यादा लंबा होगा, उसका जो स्टेम है ना वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ही लंबा होगा, मतलब वो देख के समझ में आ जाएगा कि ये नॉर्मल नहीं है. ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं इट्योलेशन. ठीक है, जब लाइट की डेफिशिएंसी होती है ना तो प्लांट अपनी स्टेम की ग्रोथ ज्यादा कर देता है और उस तरफ जाता है जहां पर लाइट का सोर्स दिख रहा होता है. ठीक है, उसको बोलते हैं इट्योलेशन. नेक्स्ट है मॉइस्चर एंड वाटर इम्बैलेंस. मॉइस्चर एंड वाटर इम्बैलेंस की वजह से होता है फ्रूट क्रैक इन पोमग्रेनेट. ठीक है, मॉइस्चर ज्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, कम होता है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है. नेक्स्ट है लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग स्टोरेज, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो. ये तो सबने देखा भी होगा, है ना? Yes, पोटैटो में, पोटैटो को जब ठीक से कवर नहीं करते तभी भी उसमें अजीब सी ग्रीनिंग आती है और वो टेस्ट भी अच्छा नहीं करता, है ना? हाँ, यस मैम. तो ये सारे होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस इन प्लांट्स. ठीक है, नेक्स्ट है मिनरल डेफिशिएंसी. जो मिनरल है उनकी अगर कमी हो जाए तो डेफिशिएंसी हो जाती है, और जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो टॉक्सिसिटी हो जाती है ना? तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल डेफिशिएंसी के से रिलेटेड डिजीजेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सबके क्वेश्चंस एक ना एक बार आ चुके हैं. ठीक है, तो ये देख लेते हैं. बोरॉन की डेफिशिएंसी से होता है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो. जिंक की डेफिशिएंसी से होता है खैरा डिजीज, वेरी पॉपुलर डिजीज. ठीक है, उसके बाद लिटिल लीफ ऑफ एप्पल, व्हाइट बर्ड ऑफ कॉर्न, ब्रॉन्जिंग ऑफ ट्विग्स. ये सब हमको बहुत अच्छे से याद रखना है. ठीक है, आजकल मिनरल डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी से बहुत क्वेश्चंस आने लगे हैं. नेक्स्ट है कैल्शियम. इससे होता है ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ फ्रूट्स एंड टोमेटो. ठीक है, मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी होता है व्हिपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर. इसका भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. नेक्स्ट है नाइट्रोजन. उसकी डेफिशिएंसी होता है रेड लीफ ऑफ कॉटन. देन मैंगनीज. मैंगनीज से होता है पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन. देन कॉपर की डेफिशिएंसी से होता है डायबैक ऑफ सिट्रस. इन सबको हमको बहुत अच्छे से याद रखना है. ठीक है, एक है एक सल्फर की टॉक्सिसिटी से डिजीज होता है, सल्फर टॉक्सिसिटी इन राइस. ठीक है, राइस में सल्फर की टॉक्सिसिटी से एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं आकियोची डिजीज. ठीक है, आकियोची डिजीज. राइटिंग समझ में आ रही है ना? यस मैम. तो ये भी नोट कर लेना, सल्फर की टॉक्सिसिटी से राइस में होता है आकियोची डिजीज. इसका भी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था. ठीक है, आगे बढ़े. यस मैम. यस मैम. ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है.
कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट. जैसे कि लीफ कर्ल इज अ सिम्टम ऑफ प्लांट डिजीज, ठीक है. लीफ कर्ल जनरली वायरस की वजह से होता है, ठीक है. बहुत सारे लीफ कर्ल वायरसेस होते हैं जो हम लोग वायरल डिजीजेस के टाइम पे देखेंगे. उसके बाद है येलोइंग ऑफ ग्रीन टिश्यू और स्ट्रक्चर ड्यू टू ईदर नॉन फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरोसिस, ठीक है. ये भी वायरल डिजीज का एक टाइप का सिम्टम होता है क्लोरोसिस, जिसमें क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता या डिस्ट्रक्शन हो जाता है क्लोरोफिल का, ठीक है. उसकी वजह से क्लोरोसिस टाइप के सिम्टम्स बनते हैं, ठीक है. अब क्वेश्चंस देख लें. क्लब रूट ऑफ क्रूसिफर इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका इज एन व्हाट टाइप ऑफ डिजीज? एंडेमिक डिजीज. एंडेमिक डिजीज है ना. चेस्टनट ब्लाइट इज कॉज्ड बाय? एंडोथीका पैरासिटिका. राइट. चेस्टनट ब्लाइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें एपिडेमिक्स में पढ़ा था कि नहीं? यस मैम. कहाँ पे आया था चेस्टनट ब्लाइट का एपिडेमिक? यूएसए. राइट. द ग्रेट बंगाल फेमिन वाज ड्यू टू व्हिच डिजीज? ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस. नेक्स्ट, मोनोसाइक्लिक डिजीज शो व्हिच टाइप ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन कर्व? सैचुरेशन कर्व. सैचुरेशन कर्व मैम. राइट. नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीजेस आर जनरली एयरबॉर्न. राइट. नेक्स्ट, मल्टी ईयर डिजीज इज आल्सो नोन एज पॉलीएटिक डिजीज. देन पार्शियल स्टेम पैरासाइट इज लॉरेंथस. लॉरेंथस. पार्शियल स्टेम पैरासाइट ठीक है. कस्क्यूटा फॉर्म्स व्हाट टू डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स होस्ट? एस्टोरिया. ठीक है. देन ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय lack of oxygen. Then Khaira disease is caused by deficiency of zinc. ठीक है, हो गई आज की क्लास. यहाँ तक कुछ डाउट? कोई टॉपिक है जो रिपीट करना है? हाँ मैम, मॉइस्चर डेफिशिएंसी से प्लांट में लीफ कर्ल नहीं होता? मॉइस्चर डेफिशिएंसी से Yes, ma'am. लीफ कर्ल नहीं होता, लीफ ड्रूपिंग हो जाती है, विल्टिंग टाइप के सिम्टम्स होते हैं. Yes, ma'am. देखो विल्टिंग कितने टाइप की होती है, एक मिनट. विल्टिंग के क्या कौन कौन से कारण हो सकते हैं? पहला हो सकता है फंगल विल्ट, है ना. दूसरा हो सकता है बैक्टीरियल विल्ट, और तीसरा हो सकता है मॉइस्चर डेफिशिएंसी. ठीक है, तीनों में हम डिफरेंस कैसे पता करेंगे? सिर्फ देख के कि ये फंगल विल्ट है, बैक्टीरियल विल्ट है, या मॉइस्चर की डेफिशिएंसी की वजह से है. कोई बता सकता है? देख के कैसे पता करेंगे? देखो बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम कितना होता है? सिर्फ 20 मिनट, है ना. बैक्टीरिया को एक सेल, बैक्टीरिया के एक सेल को डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है? उसको बोलते हैं जनरेशन टाइम, है ना. नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म करने में बैक्टीरिया को ओनली 20 मिनट्स लगते हैं. ठीक है, फंगल को, फंगल जो ऑर्गेनिज्म है उसको मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगता है अपने आप को, है ना. तो जब हम लोग फील्ड में देखेंगे, अगर रातों रात
विल्टिंग के सिम्टम्स दिख रहे हैं। कल तक वो प्लांट ठीक था लेकिन आज उसमें विल्टिंग आ गई है, तो वो बैक्टीरियल विल्ट है। ठीक है, अगर वो 7 दिन, ठीक है, 6 से 7 दिन में अगर उसमें विल्टिंग आ रही है तो वो फंगल विल्ट है। ठीक है, और फंगल विल्ट के साथ साथ आपको स्टेम अगर आप ब्रेक करके देखोगे, प्लांट उखाड़ के स्टेम ब्रेक करके देखोगे, तो आपको जो वैस्कुलर बंडल्स है उनमें ब्लैकनिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ब्लैक ब्राउन टाइप के हो जाते हैं वैस्कुलर बंडल्स, तो वो होगा फंगल विल्ट। और जब आप सॉइल को उठा के देखोगे और वो एकदम ड्राई है, तो समझ जाएंगे कि मॉइस्चर की डेफिशिएंसी की वजह से है। ठीक है, पर इसमें भी टाइम लगता है, बैक्टीरियल विल्ट में 24 आवर्स में प्लांट खत्म। ठीक है, फंगल विल्ट में 6-7 दिन लगता है और मॉइस्चर डेफिशिएंसी में मोर देन 1 वीक लगता है। ठीक है मैम, वायरस में कैसे होता है? वायरस की वजह से कहाँ विल्ट आता है? विल्ट का कारण ये सिर्फ 3 ही हो सकते हैं। वायरस के सिम्टम्स का पूछ रहे हैं? यस मैम, जैसे अगर कोई डिजीज वायरस से होता है तो वो इन्फेक्शन कितने दिन में मतलब हो जाता है? वायरस के सिम्टम्स का रेंज बहुत ज्यादा है, 30-40 टाइप के सिम्टम्स होते हैं वायरल डिजीजेस के। ठीक है, और हर सिम्टम का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। ठीक है, जब हम लोग वायरस पढ़ेंगे ना तो उनके पूरे सिम्टम्स को भी एक बार देखेंगे। ठीक है, वायरल डिजीजेस के सिम्टम्स की रेंज बहुत बड़ी है। ठीक है, पर उसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक जनरलाइज टाइम पीरियड नहीं है, हम लोग सिर्फ अभी एक डिजीज की बात कर रहे हैं, विल्टिंग की बात। ठीक है, उसमें ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और भी कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था क्या? मैम, लीफ ड्रूपिंग भी एक सिम्टम है ना मॉइस्चर डेफिशिएंसी का? हाँ, मैम लीफ ड्रूपिंग जो आप बता रहे थे, हाँ, इसको फिर से बताइए ना एक बार। देखो, विजुअल ऑब्जर्वेशन से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि जो विल्टिंग के सिम्टम हमको दिख रहे हैं, प्लांट मुरझा गया है, लीफ ड्रूप हो गई है, वो उसका रीजन फंगल है, बैक्टीरियल है या मॉइस्चर डेफिशिएंसी है? तो अगर विद इन अ नाइट, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर ही प्लांट में विल्टिंग देखने को मिल रही है, तो वो बैक्टीरिया की वजह से है, क्योंकि रातों रात बैक्टीरिया एक सेल से बिलियन सेल्स बना सकता है। ठीक है, और पूरे प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है। तो अगर 24 आवर्स के अंदर ही आपको विल्टिंग देखने को मिल रही है तो वो बैक्टीरिया की होगी। ठीक है, अगर इसको और टेस्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को कट करेंगे स्टेम को, और पानी में, क्लियर वाटर में, ग्लास में रूट को जो हमने स्टेम कट किया है उसको डाल के देखेंगे। अगर हमको एक स्ट्रीम देखने को मिलती है बैक्टीरिया की पानी में, तब हम समझ जाएंगे कि वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। इस स्ट्रीम को क्या बोलते हैं, ऊज, है ना, बैक्टीरियल ऊज बोलते हैं। सुना है? यस मैम, बैक्टीरियल ऊज बोलते हैं, और इस टेस्ट को ऊज टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ऊज टेस्ट, तो हमको कंफर्म हो जाएगा कि विल्ट बैक्टीरिया की वजह से है। ठीक है, अगर वो फंगल विल्ट हुआ, अगर हमने देखा कि फील्ड में मॉइस्चर तो ठीक है, फिर भी प्लांट ड्रूप हो रहा है और स्लोली हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तब हम समझ जाएंगे कि फंगल विल्ट है। और जब हम उसके प्लांट को उखाड़ के देखेंगे और स्टेम को बीच से काट के देखेंगे, तो उसके वैस्कुलर बंडल्स में डार्कनिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ब्लैक से हो जाएंगे, ब्राउन से हो जाएंगे उसके वैस्कुलर बंडल्स, तब हम समझ जाएंगे कि यह फंगस की वजह से विल्ट है। क्योंकि फंगल विल्ट कैसे काम करता है, फंगस रूट के थ्रू एंटर करता है और जाइलम वेसल्स को चोक कर देता है, जिसकी वजह से वाटर का ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तब हम समझ जाएंगे कि ये फंगल विल्ट है। अगर सब कुछ सही है, प्लांट हेल्दी है, और हम लोग सॉइल को टच करके देखते हैं कि मॉइस्चर की कमी है, तो हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है मॉइस्चर की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट में विल्टिंग आ रही है, और वो बहुत स्लो होगी, क्योंकि प्लांट हेल्दी है, कोई डिजीज नहीं है, तो प्लांट अपने आप को खींचेगा, है ना,
एक वीक दो वीक तक सर्वाइव करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी मॉइस्चर डेफिशिएंसी बनी रहती है, उसके बाद विल्टिंग शुरू होती है। ठीक है? यस मैम। ये क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, और कुछ? नो। ठीक है, पैथोलॉजी की क्लास में सब समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? यस मैम। यस, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम। देखो, बोरिंग लगे, समझना है तो तुरंत बता देना, ठीक है? यस। तो आज की क्लास खत्म करें? यस मैम। यस यस मैम।